भारत की 160वीं और उत्तराखंड की 7वीं पेंशन अदालत का आयोजन रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक इलाहाबाद के द्वारा श्रीनगर में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय पेंशन अदालत का उद्देश्य थल सेना, जल सेना, वायु सेना के रिटायर्ड पेंशनकारियों की पेंशन समस्याओं को दूर करना है। रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश पर रक्षा लेखा प्रबंध नियंत्रक इलाहाबाद समय समय पर सेना से रिटायर्ड हुए जवानों की पेंशन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए पेंशन अदालत का आयोजन करती है। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी 2 दिवसीय पेंशन अदालत का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की तीनों सेनाओं में सेवा दे चुके पेंशन धारकों की पेंशन समस्याओं को दूर करना है। 2 दिनों तक चलने वाले पेंशन अदालत में दूर दराज के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या से पेंशनकारी पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान जवानों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने जंग में अपने शरीर के अंग गंवा दिए थे। हमको इधर उधर जाने में परेशानी नहीं होगी, पहले हमको जाने में दिक्कत होती थी, अब ठीक रहेगा हमको जाने में। मेरे जब हम 99 में थे 6 जून 1999 में, अब मोटर पोर्शन में बम पड़ गया था पाकिस्तान का, आर्टिस्ट शरीर में पड़ गई थी, तो वहीं पर अंडर सपोर्ट मेरा हाथ खराब हो गया। अच्छा महसूस हुआ हमको, अच्छा अपने गवर्नमेंट महसूस किया हमने। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर खुद रक्षा लेखा प्रबंधक नियंत्रण के नियंत्रक प्रवीण कुमार श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 2,05,000 पेंशनधारी हैं और कई लोगों को पेंशन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनधारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए इलाहाबाद से ही पेंशनधारियों का डाटा लाया गया जिससे कि समस्या का समाधान उसी समय हो जाए। ये रक्षा पेंशन अदालत हमारे रक्षा मंत्रालय करवाती है, साल में हम लोग 5-6 जगह पे करते हैं। उसमें हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि हमारे जो पेंशनर हैं, जो हमारे सेनानी जो एक्स सर्विसमैन हैं और उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन की कोई भी समस्या हो तो उसको हम लोग ऑन द स्पॉट जाके दूर कर सकें। इसी पर्पस के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये 160वां है हमारा अदालत है और हम लोग 2 दिन के लिए इसको आयोजन कर रहे हैं। 2 दिन में जितने पेंशनर आएंगे यहाँ डिफेंस के पेंशनर, उनका हम ऑन द स्पॉट हम लोग सेटल करने का कोशिश करेंगे। हमारे पास सारी डेटा उनके लेके आए हैं, जो उनको अभी मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे लैपटॉप में जानकारी है। उसके बेस पे ऑन द स्पॉट हमारे जो पेंशनर आएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद उनको हम लोग सेटल करेंगे। साथ ही रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक इलाहाबाद ने समस्या को दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन हेल्प सेवा भी शुरू की। 3-4 तरह के माध्यम हैं। एक माध्यम है कि हम लोग पोर्टल पर भी आप कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। एक हमारे कॉल सेंटर है इलाहाबाद में, उस पर भी सवेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारे लोग बैठे रहते हैं, उस पर आप फ़ोन करिए, वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। तीसरा पर्सनली विजिट कर सकते हैं इलाहाबाद में, वहाँ हमारा पेंशनर सेंटर है जहाँ ऑन द स्पॉट वहाँ पे भी करते हैं और शाम तक में आपको डिस्पोजल करके देंगे। तो इसके अलावा कई माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप ये अदालत तो एक माध्यम है कि हम लोग संगठित रूप में इनकी बातों को भी जान सकते हैं, कनेक्ट भी होते हैं इनके साथ और साथ ही साथ इनके समस्याओं को भी हमें पता चल जाता है इस फील्ड में आने से। तो इसका फायदा हमें भी मिलता है, हमारे ऑफिस को भी मिलता है इससे। संवाद 365 के लिए श्रीनगर से कमल किशोर पिमोली की रिपोर्ट।